अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ अली राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं हंटिंग फील्ड में और सीज़न तकरीबन जो माइग्रेशन का है, बटेर की माइग्रेशन जारी है। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा वाजे करना चाहता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रीडिंग हो रही है और आप लोग शिकार जो करते हैं, जो शिकारी जो भी करते हैं, लेकिन पहली बात यह है कि बटेर हमारे पास ब्रीड नहीं करता यहाँ पर। ये माइग्रेशन होती है इनकी, ये वापसी पे चले जाते हैं और ये एग्जैक्टली आज तक किसी को नहीं पता कि ये वापस जाते किधर हैं और आते कहाँ से हैं। लेकिन फिर भी एक माइग्रेशन ये आपके अगस्त सितंबर में आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद अप्रैल में इनकी वापसी शुरू हो जाती है यहाँ से। और इस दौरान ये सिर्फ यहाँ पर स्टे करते हैं, ब्रीड नहीं करते। एक चीज़ तो ये क्लियर करनी थी। दूसरा ये है कि इस मौसम में जो शिकार होता है वो गंदम की फीड वगैरह होती है, उसमें आप कुत्ते के साथ पॉइंटर के साथ तो नहीं कर सकते। लेकिन जब यह है कि गंदम वगैरह कट जाती है तो ठीक है, ठीक हाँ, जब गंदम वगैरह कट जाती है तो उसके बाद जो बाउंड्री लाइन होती है, हर प्लाट को होता है उसकी जो एक बाउंड्री बनी होती है, उस पर घास वगैरह होती है, तो उस पर जो बटेर छुपते हैं उसकी बनती हैं, शिकार वगैरह होता है उसका। तो ज़्यादातर इस तरह होता है कि नेट और रस्सी, रोप जिसे बोलते हैं, वैसे अपनी लोकल ज़बान में उसे सिरक बोलते हैं, तो उसके साथ शिकार होता है। नेट लगाए जाते हैं लंबे, लेकिन उसमें इन दिनों चांसेस होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर जो नेट लगा के गंदम के साथ और पीछे रस्सी से खींचा जाता है, वो भी तब तक जब गंदम आलमोस्ट पकने के करीब जब पहुंच जाती है, ज़्यादा पक जाए तो फिर उस पर रस्सी भी नहीं लगाते। तो इन दिनों जो शिकार हुआ है वो रस्सी और सिरक और जाल का है। तो अभी रिकॉर्डिंग मैंने शुरू की है, लगे नहीं लगे, आगे आ जाए, अगे एक और कोने ते भी है मेरे ख्याल। चिड़ी आराम है,
मादा मादी नर है ना ये मादी मादी है अच्छा बड़ा शेर है ना लेकिन मादी है नर दरिया लम्हे में मालूम वो ऐसी क्यों ना थोड़ी जगह लगा दी उसे